ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड उसके बाद गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड जो गाइस आपका जो मॉडल होगा, कुछ इस टाइप से आप सभी को थोड़ा बड़ा करके इसको आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगाना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को सिंपली साइड वाले ऑप्शन में, डन वाले ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को ये लेंस के पीएनजी मिल जाएंगे, तो आपको उसको स्क्रीन कर लेना है। एंड इसका जो एक एरिया है इसको इरेज कर लेना है, ठीक है? तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइज आपको जो दूसरा वाला एरिया है उसको अपने आई के पास लगाना है आपको। एंड कैसे लगाना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। गाइज आप सभी को अपने आई के पास कुछ स्टेप से ऐसे लगा देना है। एंड उसके बाद गाइज इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी यहाँ पे कम कर लेनी है, ठीक है? ओपेसिटी कम कर लेना। एंड उसके बाद फिर क्या करना है गाइज आप सभी को, तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पर सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइज उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड गाइज उसके बाद आप सभी को ये फेस का, ये मार्क्स का पीएनजी मिल जाएगा। एंड इसको आपको उसका ब्लेंडिंग मोड पहले चेंज करके देख लेना है, ठीक है? तो उसको मैं पहले यहाँ पे अभी स्क्रीन नहीं रखेंगे इसको हम, ठीक है? अभी इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, हम देखेंगे कौन सा स्प्रे सही लग रहा है, ठीक है? तो इसको हम कुछ इस टाइप से चेक करेंगे कि, ठीक है? तो मेरे ख्याल से जहाँ पे हमें ये मल्टीप्लाई वाला सही लग रहा है, ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं सका इस ओवरले वाला, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले रुकिए एक मिनट, हम इसको ओवरले रख लेते हैं, ठीक है? एंड अभी नीचे की तरफ जो डार्क हो रहा है उसको अभी हम क्या करेंगे, उसका इलाज है मेरे पास, तो अभी हम इसको ऊपर वाले का साइज़ बड़ा करके यहाँ से नीचे का इरेज कर देंगे, ठीक है? आप सभी को ऐसे ही करना है। एंड उसके बाद गज आप सभी को फिर जो है इसका डुप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पे पहले डन करते हैं। एंड इसको हम जूम करके देखते हैं पहले। एंड इसका हम डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड गज इसका डुप्लीकेट करने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आपको कुछ स्टेप से इसके साइज़ पर रख देना है। एंड उसके बाद इसको आपको गज रोटेट कर देना है। एंड उसके बाद गैस यहाँ पे इसका साइज़ जो है आप सभी को छोटा कर देना है, ठीक है? जैसे ही गैस आप सभी को दिख रहा होगा। एंड गैस कुछ स्टेप से साइज़ को छोटा कर देना है। एंड कुछ स्टेप से रख देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है गैस, आप सभी को यहाँ पे इसको सिंपली डन कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हॉरर लुक आ चुका है हमारे मॉडल में। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड आप सभी को ये बुक का पीएनजी मिल जाएगा, तो आपको ये पीएनजी कैसे ऐड करना है गैस, आप सभी को पहले तो अपने हैंड के पास कुछ स्टेप से ले जाना है। एंड इसके बाद गाइस आप सभी को देख लेना है कि कहाँ पे सही लग रहा है, उस टाइप से आप सभी को लगा लेना अपने मॉडल को, मॉडल के पास। एंड उसके बाद सिंपली आपको इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस फुल करके फटाफट से इरेज कर लेना है। गैस इतना कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को गैस जाना है यहाँ से आपको ड्रॉ टूल में, ठीक है? ड्रॉ टूल में जाने के बाद गैस यहाँ पे आप सभी को एक शेडो बनानी है अपने हैंड के पास, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ब्रश को ले लेंगे, साइज़ को थोड़ा सा मतलब इसके ओपेसिटी को पहले कम कर लेंगे। एंड साइज़ को फुल रखेंगे। एंड गैस साइज़ को आप थोड़ा छोटा ही कर लेना, ठीक है? एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है, क्योंकि यार यहाँ पे जो हमारे फिंगर है ना उसके पास हमें शेडो बनानी है, तो उसके लिए यार साइज़ को छोटा रखोगे तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है? तो पहले मैं इन सभी शेडो को अंडो कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि अभी सही तरीके वाली शेडो नहीं है, मैं बस सिंपली एक सीधी लाइन में इसको एक शेडो देना है, ठीक है? कुछ इस टाइप से एंड हल्का सा एंड कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को सिंपली करके डन कर देना है। एंड यहाँ से आप सभी को फिर करना है, एड फोटो में जाना है। एंड यहाँ से एक पीएनजी और ले लेना है आप सभी को, ठीक है? इस पीएनजी का जरूर यूज़ करना है आप सभी को, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस फुल स्क्रीन कर देना है, कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद सिंपली आप सभी को डन कर देना है। एंड कैसे उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को इस फोटो को सेव कर लेना है। एंड इसको ओपन कर लेना है लाइट रूम ऐप में। एंड कैसे उसके बाद आप सभी को जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, ठीक है? इसके पहले लाइट को करेक्ट करना है, तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाईलाइट को कम कर देंगे, शेडो को भी हम थोड़ा कम कर देंगे, वाइट को बढ़ा देंगे, ब्लैक को कम कर देंगे। एंड जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे, कलर्स मिक्स में जाएंगे, ऑरेंज कलर को लेंगे, सैचुरेशन माइनस कर देंगे, एंड ल्यूमिनस बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद येलो कलर को लेंगे, इसका ह्यू माइनस, सैचुरेशन प्लस। एंड उसके बाद ब्लू कलर का सैचुरेशन माइनस, एंड सेकंड ब्लू है इसका सैचुरेशन माइनस, एंड पर्पल कलर इसका सैचुरेशन हल्का सा माइनस। एंड उसके बाद डन। एंड उसके बाद आपको जाना नीचे टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, फोटो में जो विग्नेट है वो हल्का सा डाल देना है। एंड उसके बाद गैस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ग्रीन अमाउंट मिलेगा आप सभी को, उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो गैस नॉइज रिडक्शन आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। एंड गैस उसके बाद नीचे मिलेगा कलर नॉइज रिडक्शन आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। तो गैस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गैस ऐसा करता हूँ, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।